अगर आप छोटे किसान हैं, तो भी आप सरकार द्वारा चलाई गई पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। जी हाँ, छोटे किसानों को बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा देने की नीयत से शुरू की गई योजना पीएम मानधन योजना का लाभ किसान के साथ उनकी पत्नी भी स्वतंत्र रूप से उठा सकती हैं। इस योजना के तहत आवेदक को मासिक आधार पर मामूली रकम जमा करनी होती है और 60 साल की उम्र पार करने पर उसे हर महीने कम से कम 3,000 रुपए की राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। इस निवेश योजना के जमाकर्ताओं को सरकार उनकी मासिक रकम के बराबर राशि जमा करती है। पीएम किसान मानधन योजना के लिए आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। अगर है तो आप आवेदन कर सकते हैं। एक बात और, आपको इसके लिए हर महीने 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक अपने पेंशन खाते में 60 साल की उम्र होने तक जमा करनी होगी। आप कभी चाहें तो किस्त जमा करने का विकल्प बीच में छोड़ भी सकते हैं। ऐसे में LIC मासिक किश्तों का इंतजाम करता है। अगर इस योजना का लाभ ले रहे लाभार्थी किसान की किसी कारण मृत्यु हो जाती है तो फिर उसकी पत्नी को हर महीने इसकी आधी पेंशन यानी 1500 रुपए दिए जाते हैं। इस पेंशन योजना के लिए आपका रजिस्ट्रेशन CSC केंद्रों और राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा। अगर आप भी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो फिर देर किस बात की, पहुंच जाइए अपने किसी नजदीकी बैंक में या चाहें तो पीएम किसान मानधन योजना की वेबसाइट manadhan.in पर पीएम किसान मानधन योजना का फॉर्म डाउनलोड करके भी आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो या इससे जुड़ा कोई भी सवाल हो तो फोन भी कर सकते हैं। नंबर है 1800-26768888।